मूवीज आपण पाहतो, कव्हरेज करतोय यूट्यूबवर लाईव्ह आणि चार कॅमेरा सहित, पाच कॅमेरा सहित आपण पाहू शकतात. खूप चांगल्या प्रकारची आपल्याला पाहायला मिळते, क्लॅरिटी आहे आणि खूप वर्षाव झालाय, स्तुती सुमने उधळली गेलेत, कारण क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि ते मात्र प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून जोपासलं गेलंय. प्रथम गोलंदाजीसाठी तयार यावेळेला हरिदास लेजंड खेळाडू आपण पाहतोय. किसन अँड किशोर ही मात्र एकाच राशीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. खूप चांगलं ड्रेस कोटिंग आपल्याला पाहायला मिळतं वीर तानाजी दापोडेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत. स्टार्ट ऑफ द मॅच, ऑल द बेस्ट. पहिला चेंडू या वेळेला मात्र बॅटची एज घेऊन चेंडू निघून जाते फर्स्ट स्लिप कडून. तत्पूर्वी एक धाव अर्जित केली जाते, ऑफ द मार्क. एकेरीवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. किशोर मडवी आणि किसन पाटील ही सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. सहा साडेसहाच्या नंतर फ्लड्स ओपन होताना आपल्याला पाहायला मिळतील, कारण ही स्पर्धा आहे दिवस रात्र डे नाईट क्रिकेटचा महासंग्राम. यावेळेला जर आपण पाहिलं तर ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. पंच वत आहेत या ठिकाणी, गुकुदास पाटील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगल्या प्रकारची पंचांची भूमिका. आणि एका साईडला जर आपण पाहिलं तर अजिम हमदुल्ले मात्र पंचांच्या भूमिकेत आहेत, शार्प नजर आहे आणि प्रत्येक चेंडूवर मात्र त्यांना तीक्ष्ण राहावं लागतं. व्हाईटचा इशारा येत असताना धावांची गती, स्कोर कार्डवर 2 धावा. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक ऑन साईडला ड्राईव्ह केला जातोय, एकदा वेगाने येते. दुसऱ्या दिवसाठी प्रयत्न, थोडेसे फंबलिंग होत आहे नाही होत आहेत, मात्र यावेळेला 2 धावा काही रोकू शकणार नाही आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 धावा येत आहेत. आणि या दुहेरीच्या मदतीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 4 धावा. जो नियम आपण पाहिला तर पॉवर प्ले नंतर आपण पाहू शकता 2 क्षेत्ररक्षक मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. ही नुकतीच सूचना आपण पाहू शकलात. यापुढील यानंतर होणारा सामना गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा वर्सेस सिद्धिविनायक अंजूर या 2 संघांमध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. केवळ बॅकफुटला जाऊन सुरेख पद्धतीने इंटू द गॅप मध्ये कळलं गेलं, सौंदर्यपूर्ण फटका पाहायला मिळतो. चेंडू सीमा रेषा पार, चेंडू फरार, के चौकार, गुड शॉट, सुपर टायमिंग. थँक्यू डिझ, थँक्यू, वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. जय कालिका माता क्रीडानगरी कालवार
खूप चांगल्या प्रकारचं मैदान हे मेंटेन केले गेले आहे, सुशोभित आणि सुसज्ज असं मैदान। प्रत्येक खेळाडूची इच्छा असते की मी एक चांगल्या प्लेन मैदानात खेळावं आणि तेच मात्र हे मैदानाची उभारणी केली गेले। खरोखरच आयोजकांच्या माध्यमातून खूप चांगल्या प्रकारची सजावट पूर्ण मैदानाला आपण पाहू शकता। चांगले कटआउट्स या ठिकाणी पाहायला मिळतात, चांगले स्टँड्स आपण पाहू शकता। आमचे कॅमेरामॅन तीक्ष्ण नजरेने मात्र चहूबाजूने कॅमेरामॅन दक्ष असताना पाहायला मिळतात। पूर्ण प्रिन्स मूवीजची टीम खरोखरच खूप चांगलं कार्य करताना आपल्याला पाहायला मिळतं। गुड जॉब बाय प्रिन्स मूवीज टीम। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 11 धावा 2 गडीबाद अशी स्थिती पाहायला मिळते। न्यू तुफान पिंपळास या संघाची स्थिती आपण पाहू शकतात। विष्णू पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत। फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला जरूर खेळला गेला, इन टू द गॅप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल का? वन बाउन्स ने चेंडूला कन्वर्ट केलं जातं। गुड फिल्डिंग, तत्पूर्वी 2 धावा काही रुकू शकणार नाही आहेत। दुहेरी आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 13 रन्स 13 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत। एका साईडला मात्र फलंदाज आहेत किशोर, आपली जबाबदारी जाणत आहेत आणि जबाबदारी या वेळेला मात्र जरूर आपण पाहू शकतायत। किशोर यांच्या खांद्यावर आहे आणि ती जबाबदारी स्वीकारताना या वेळेला ऑफ साईडला आपण पाहतोय। खूप चांगल्या प्रकारचं मात्र चेंडूला वळवलं गेलं होतं, यू वेट म्हणून सांगितलं आणि त्याच अनुषंगाने फक्त एकच धावेवर सॅटिस्फाईड व्हावं लागतं। खूप चांगलं मंडप डेकोरेटर्स आपण पाहतो, स्वरगंगा फक्त हे नाव नाहीये तर ते सुद्धा ब्रँड आपल्याला पाहायला मिळतं। वसई तालुक्यामध्ये सुद्धा एक मोठी स्पर्धा कव्हर करताना पाहायला मिळत आहेत, एक उस्माई चषक खारडीच्या मैदानात, आणि त्यांचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो रुपेश मडवे आणि त्यांची संपूर्ण टीमचं। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 14 धावा चेंडू फेकून झाले, आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ झालाय, 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 14 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत। फलंदाज वाद आहे का पंच? यस, आणि या वेळेला मात्र आपण पाहू शकतायत बॅक टू द डगआउट फलंदाज या ठिकाणी किशोर यांच्या खेळीला पूर्ण विराम लागताना पाहायला मिळतं। गणेश श्याम हे मात्र आपण पाहतोय आणि धर्मेंद्र तांगडी जे आपण पाहतोय त्यांनी मात्र ऊर्जा दिलेली आहे, जे प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचं कॅश प्राईज आहे पाहायचंय। हे मात्र पारितोषिक नाही आहे तर ही ऊर्जा दिली जाते। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर एकंदरीत 14 धावा झालेल्या आहेत, 3 गडीबाद अशी स्थिती आपण पाहू शकतायत। संध्याकाळचं सत्र आज सूर्यनारायण देवाने मात्र दर्शन काही दिलं नाही। पुन्हा एकदा आदरणीय सन्माननीय निलमजी नाईक साहेब आपल्याला पाहायला मिळतात, महाराष्ट्र बॉक्स लंगडी असोसिएशन अध्यक्ष आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व। तिन्ही फलंदाज धावचित बाद होताना पाहायला मिळतात, खूप चांगलं कॅल्क्युलेशन सागर या ठिकाणी दर्शवत असताना। ऑफ साईडला आपण पाहतोय जागा बनवली, रूम दिला, एकदा वर्जित केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल का? फेकेपर्यंत मात्र एकच धाव येईल आणि एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 15 रन्स 15 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत। सकाळच्या 17 पासून 8 वाजल्यापासून मात्र निलमजी नाईक साहेब वन मॅन शो ज्यांना आपण पाहतोय, एक चांगलं दातृत्व आपण पाहू शकाल आणि खूप चांगल्या प्रकारचं नेतृत्व सुद्धा आपण पाहतो। फक्त नाव मोठं असून चालत नाही तर तुमचं काम सुद्धा मोठं असावं लागतं। यावेळेला सरळ बॅटने जरूर खेळला गेला आहे, चेंडूला मात्र विरकावून देण्याचा प्रयत्न केला परंतु या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कोणतीही चुकी करत नाही आहेत। फलंदाज यावेळेला बॅक टू द डगआउट, गुड कॅच ऑफ क्वालिटी, रतिलाल बॅक टू द पॅव्हिलियन।
आणि न्यू 40+ क्रिकेट ने मात्र खूप आज नवतरुण पिढीला या ठिकाणी जरूर कुठेतरी प्रेरणा स्थान दिले गेले। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचते 17 धावा, षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झालेत 8.50 सरासरीने 17 धावा। जय कालिका माता, क्रीडा नगरी कालवार आपण पाहतो ही स्पर्धा। स्वर्गीय कृष्णाई नाईक व कचर नाईक यांच्या स्मरणार्थ डे 2 आपण पाहू शकताय। जय बजरंग व वीर बजरंग कार्यवले आयोजित ही स्पर्धेचं आयोजन नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतं। सर्व आयोजकांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा असेल। सुंदर एकही पाहायला मिळालं, एकीचं बळ पाहायला मिळालं। खास करून जर आपण पाहिलं तर या कार्यवलीच्या आयोजकांच्या माध्यमातून आणि हे एकीचं बळ सातत्याने तुम्ही येणाऱ्या काळामध्ये टिकून ठेवा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना असेल। युनिटी स्ट्रेंथ, एक हेच सामर्थ्य गणलं जातं। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 17 धावा, 4 गडीबाद, 2 षटकं येणं बाकी आहेत। आणि 2 षटकांमध्ये काय स्ट्रॅटेजी असेल, गेम प्लॅनिंग काय असेल, कारण 12 चेंडूंमध्ये खूप मोठं एक्सपेक्टेशन असेल न्यू तुफान पिंपळास या संघाच्या माध्यमातून। नवीन गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कवर सदानंद, गोलंदाजी मार्कवर येताना उजव्या हाताने फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहेत मिस्टर प्रभाकर आणि घनश्याम भोईर। ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, क्रिकेटचा सी कॅप्टन घनश्याम भोईर हे मात्र जाणताना आपण पाहतोय। 17 धावा 4 गडीबाद, पुन्हा एकदा गोलंदाज, तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय। अतिशय देखणं असं आयोजन नियोजन, ऑल इज वेल। यावेळेला पहिला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न सुंदररित्या, मात्र यावेळेला हा चेंडू म्हणता येणार नाहीये अजिम हमदुल्ले। मात्र या ठिकाणी थोडासा एक्सरसाइजचा मौका मिळाला, संध्याकाळचं सत्र आहे आणि कवायची गरज असेल नो डाऊट। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 18 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। तिसरं षटक प्रारंभ, एक लॉंग रनअप आपल्याला पाहायला मिळतोय। खूप लॉंग रनवे आपण पाहू शकताय, जवळजवळ 10 ते 15 पावलांचा स्टार्टअप या ठिकाणी कॅमेरामॅन एंडकडून। यावेळेला पाहिलं सुरेख पद्धतीने बॅकफुटला गेले, सुरेख फटका पाहायला मिळतोय इन टू द गॅप मध्ये डीप बॅकफुट पॉइंटला। आमच्या कॅमेरामॅनच्या स्वागतासाठी, अभिवादन करण्यासाठी के चौकार, गुड शॉट। थँक्यू डिझर, थँक्यू, वेलकम बॅक। सुंदर संगीतमय वातावरण निर्माण केलं गेलं। पहा गोलंदाजी अटॅक जर आपण पाहिला तर टप्पा थोडासा बाउन्स झाला होता आणि बॅटचं ब्लेड सुरेख पद्धतीने टायमिंग स्ट्रोक ज्याला म्हटलं जाईल, सही खिलाडी वही होता आहे जो टायमिंग के साथ क्रिकेट खेळता आहे। धावसंख्या 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। आता मात्र प्रभाकर यांच्या बॅटमधून चौकार येतोय, कॉन्फिडंट जरूर वाढला असेल यात काही शंका नाही आहे, कारण आत्मविश्वास ही अशी शक्ती आहे जी तुम्हाला पायथ्यापासून शिखरापर्यंत पोहोचवते। उजव्या हाताने पुन्हा एकदा, यावेळेला मात्र स्कूपचा फटका पाहायला मिळतोय। थोडीशी रिस्क घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला एकदम निश्चित स्वरूपात, कारण जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचे स्ट्रोक येतात ना, त्या त्या वेळेला मिसबा उलक मला आठवतो आणि ते मात्र 2 खेळाडू, अर्थातच जर आपण पाहिलं तर जोगिंदर शर्मा आणि श्रीसंत, कारण एक रिस्क शॉट घेतला आणि तो 2007 वर्ल्ड कप आपण मात्र जिंकून घेतला MS धोनीच्या नेतृत्वाखाली। मात्र अशा प्रकारचे स्ट्रोक थोडेसे मात्र आपण पाहतो डिफिकल्ट आणि रिस्क घेण्याचा प्रयत्न जरूर करतात फलंदाज। अप्रतिम गुड डिलिव्हरी, सुंदर यावेळेला चेंडूची सांगता होत असताना पाहायला मिळतं, ऍक्शन स्पीक लाऊडर दॅन वर्ड्स। आणि आकृतीपेक्षा कृती खूप छान आहे ती सदानंद या गोलंदाजांची आपण पाहू शकतात। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 23 धावा 4 गडीबाद झाले न्यू तुफान पिंपळास हा संघ आपण पाहतो। न्यू 40+ हा संघ आपण पाहू शकतात। नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारली होती परंतु अपेक्षेप्रमाणे सुरुवात झाली नाही ती सलामीवीरांची। यावेळेला पाहिलं बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न सुरू केला गेला, पंच मात्र त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत सक्षम आहेत त्या ठिकाणी। सुंदर गोलंदाजीचं पृथ्वीकरण, मॅग्निफिसंट बॉलिंग, कम्मालीची चेंडू यावेळेला हाताळले जात आहेत। आपल्या बोटांतील जादू काय आहे, अजूनपर्यंत माझ्यात ती क्षमता आहे, मी हे करू शकतो, येस आय कॅन डू इट, हे करू शकतो आणि हे मात्र दर्शवत असताना मिस्टर सदानंद ॲब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग।
धावसंख्या 23 चार गड्यांच्या मोबदल्या मध्ये 2.4 चेंडूचा खेळ झालाय. येणारे 8 चेंडू अजून सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. या 8 चेंडू मध्ये काय गेम प्लॅनिंग असेल? हॅलो 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 ऑफ साईडला यावेळेला आपण पाहतोय ड्राईव्ह केला जातोय. ऑफ ड्राईव्ह ज्याला म्हटलं जाईल एकदम वेगाने. दुसऱ्या धावसाठी तालमेलची कमी होती आणि शेवटच्या मोमेंटला बॅट हवेत. फलंदाज बाद. यानंतर होणारा सामना गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा आणि सिद्धिविनायक अंजूर. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या. आदरणीय सन्माननीय हेमंत जी नाईक साहेब आणि तुषारजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांना विनंती करेन सर आपण सन्मानानं व्यासपीठावर यावं. खूप चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडू अॅक्युरेट त्या ठिकाणी मात्र आपण पाहू शकतायत. पंचांचं लक्ष अजिम अब्दुल्ले राईट डिसिजन देत असताना आपण पाहू शकतायत. म्हणून क्वांटिटीपेक्षा क्वालिटी खूप पंच आहेत. परंतु जे पंच नेमणूक केले जातात कारण त्यांची क्वालिटी पाहिली जाते. आणि गोकुळदास पाटील एका साईडला आपण पाहतोय खूप वर्षांचा दांडका अनुभव आहे आणि नाईस नेचर. धावांची गती फलकावर 24 धावा. यावेळेला पहिला ऑन साईडला हुकचा फटका पाहायला मिळतोय. जबरदस्त शफल झाला आणि सरळ चेंडूला मात्र यावेळेला भिरकावून दिला. फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये चौकार. के चौकार. धावा 6 गडी बाद अशी स्थिती पाहायला मिळते न्यू तुफान पिंपळास या संघाची. आतापर्यंत जबरदस्त वीर तानाजी दापोडे संघाच्या क्षेत्ररक्षकांनी खूप चांगल्या प्रकारची प्रगती करताना आपण पाहू शकतायत. सॅल्यूट असेल खूप चांगलं न्यू 40+. यावेळेला शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. थायपॅडला जाऊन चेंडू आदळतोय. तत्पूर्वी एक धाव चिकी सिंगलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते लेग बायच्या स्वरूपात. एकेरीने सॅटिस्फाईड व्हावं लागेल. एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 30 रन्स 30 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. संध्याकाळचं सत्र आज सकाळपासून सूर्यनारायण देवाने मात्र दर्शन दिलं नाही. सूर्य आणि ढग यांच्यामध्ये जणू काही लपंडाव सुरू होता परंतु क्रिकेट काही थांबलं नाही. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट वन मॅन शो. आदरणीय सन्माननीय एक चांगलं व्यक्तिमत्व नीलमजी नाईक साहेबांना पुन्हा एकदा मानाचा मुजरा असेल. नाईक परिवाराला अप्रतिम ब्युटिफुल डिलिव्हरी. ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडूला पिच केलं गेलं होतं. तिथून थोडासा बाहेर निघणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. बीट इज ऑनली स्किन डीप. वैविध्यपूर्ण ज्याला गोलंदाजी म्हणतात त्या प्रकारची गोलंदाजी. कारण आत्ताचं क्रिकेट खूप फास्ट क्रिकेट झालंय आणि जर फलंदाजांपासून तुम्हाला वाचायचं असेल तर वेगवेगळ्या चेंडूची उत्क्रांती ही मात्र क्रिकेटच्या मैदानात करावी लागते. नेक्स्ट मॅच गावदेवी स्पोर्ट्स पूर्णा आणि सिद्धिविनायक अंजूर.
ऑन साइडला बैट एंड पैड व्यवस्थित समन्वय होता डिपेंड विकेट क्षेत्ररक्षक वेगाने मात्र झेपावतो है एक धाव वर्जित दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न फेकेपर्यंत चेंडू उचलेपर्यंत आणि येईपर्यंत यावेला एकच धाव मिळेल फलंदाज बाद होताना आपण पाहू शकता धावचीच्या स्वरूपात अजिम हमदुल्ले यांचा बोट उंचावला गेला आणि फलंदाज बॅक टू द डगआउट चेंडू खूपच बाहेर निघणारा पाहायला मिळाला आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या फलकावर 32 धावा फलकावर पाहायला मिळतात 32 रन्स लॉस ऑफ 7 विकेट पाच धावचित बाजले आणि दोन झेल स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळाले यावेळेला मात्र बॅटचं संतुलन चांगलं होतं फक्त चेंडूला यावेळेला दिशा देण्याचं काम केलं स्टिअर केलं आणि तत्पूर्वी दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि सहावा फलंदाज धावचितच्या स्वरूपात बाद होताना वन शॉट दैव देते नि कर्म नेते ॲज अ शार्प ॲज अ निडल सुई सारखे तीक्ष्ण अशा नजरेत नेहाताना पाहायला मिळत आहेत अजिम अमदुल्ले आणि गोकुदास पाटील आणि यावेळेला जर आपण पाहिलं तर सहा फलंदाज धावचित बाद होताना पाहायला मिळाले आणि दोन झेल स्वरूपात आपल्याला पाहायला मिळाले एकूण धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 32 आणि 33 धावांचं लक्ष जे आपण पाहतोय मैदानाच्या सभोवताली आपण पाहू शकतात मी प्रेक्षकांना विनंती करेन की त्याच्यावर जास्तीत जास्त भार देऊ नका आपण मुख्य मंचाच्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतं जे स्टँड आहेत त्याच्यात जाऊन आपण या मॅचचा आस्वाद घेऊ शकता या आपण टॉस करण्यासाठी जाऊया टॉस बॉक्समध्ये पूर्ण संघाचं कर्णधार प्लीज आपण लवकरात लवकर या नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी मान्यवरांना या ठिकाणी विनंती उपस्थित आहेत आपण टॉस मध्ये हॅलो हॅलो चेक हॅलो हॅलो माइक चेक इथे मी विनंती करेन मान्यवरांना आदरणीय सन्माननीय या ठिकाणी उपस्थित आहेत राजेजी धाकल्यासाहेब या ठिकाणी वडू नवकरचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि प्रकाशजी पाटील शिवसेना शाखा प्रमुख मी विनंती करेन सर आपण टॉस बॉक्समध्ये या आपल्या शुभहस्ते नाणेफेकीचा कौल या दोन संघांमध्ये केला जाईल राजेजी धाकल्यासाहेब आणि प्रकाशजी पाटील साहेब आज अमूल्य वेळ काढून या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत असताना कारण वेळ कोणाला मिळत नसतो वेळ काढावा लागतो आणि तो वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत या स्पर्धेला राजेश धाकल्या पाटील या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत वडू नवकरचे एक अनमोल रत्न या ठिकाणी राजेजी पाटील साहेब पाहायला मिळतात आणि प्रकाशजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले सुरेशजी पाटील साहेब आहेत या ठिकाणी मी मान्यवरांच्या उपस्थितीने या ठिकाणी कॉइन स्पिन केला जाईल एका साईडला आपण पाहतो गोकुळ नाईक देवराज नाईक आणि केके ट्रॉफी हा कॉइन आहे जो तयार केला गेला या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे
के ट्रॉफी आणि यावेळ आपण पाहतोय गोकुळ नाईक देवराज नाईक या ठिकाणी अंजुर संघाने टॉस जिंकलेला आहे। मी मान्यवरांना विनंती करेन आपण आसनस्थान व्हायचं आहे विराजमान व्हायचं। संजय जे आपण पाहतो लेजंड खेळाडू आहेत निफोटी प्लसचे खेळाडू ज्यांनी भरपूर उन्हाळे पावसाळे चढ उतार हरजीत आपल्या जीवनामध्ये पाहिले आणि जेव्हा जेव्हा संकट आली तेव्हा संकटाच्या नद्या पार केल्या असे संजयजी वेलकम पुन्हा एकदा या टॉस बॉक्समध्ये। नाणेफेकीचा कौल जिंकला खूप मोस्ट फॅक्टर या ठिकाणी आपण पाहतो काय निर्णय असेल क्षेत्ररक्षण क्षेत्ररक्षण करताना प्रतिस्पर्धी संघाला चार षटकांमध्ये कितपर्यंत धावा मात्र रोखण्याचा तुमचा मानस असणार आहे कमीत कमी 40 चाळीच्या त्यासाठी मात्र तुमचे असे ट्रम्पकार्ड गोलंदाज विकेट टेकिंग गोलंदाज कोण आहेत 3 ते 4 रवी आहे मी आहे आणि निलेश नक्कीच स्वतः सुद्धा आपण पाहतो ऍज अ ऑलराउंडर आहेत। ही स्पर्धा खेळताना एकंदरीत 40+ एक धाव आरोग्यासाठी जी संजीवनी देत असते संजीवनी देत असताना मात्र या ट्रॉफी बद्दल केके ट्रॉफी बद्दल काय म्हणतील या आयोजकांचं धन्यवाद व्यक्त कसं करते पहिले तर सांगू शकतो की एवढा चांगला ग्राउंड आहे की मनापासून इथं खेळण्याचा प्रयत्न करणार आणि जेणेकरून जिंकायचा प्रयत्न करू। धन्यवाद संजयजी। राजेंद्र पाटील आमच्या समोर जोडले गेले जर सर नाणेफेकीचा कौल जिंकला असता तर काय डिसिजन घेतला असता आपण फिल्डिंग घेतली असती आता मनाच्या विरोधात तुम्हाला 24 चेंडू खेळायचे 24 चेंडू खेळताना काय टोटल असेल माइंडमध्ये की या या धावांपर्यंत जर आपण गेलो तर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखण्यात यश मिळू 45 पर्यंत त्यासाठी 3 ते 4 फलंदाज किशोर आहे देवा आहे हरिदास आहे देवराज आहे संजय असे चांगले आमचे फील्ड आहेत नक्कीच। नाईक परिवार आणि वन मॅन शो आदरणीय निलमजी नाईक साहेब यांच्या संपूर्ण स्पर्धेबद्दल श्रेय तर त्यांना जात आहे परंतु तुमच्या मुखातून स्तुती सुमने कसे उदळतील अगोदर म्हणजे वीर भजन आणि जय भजन कारवलेना आमच्या या आयोजनाबद्दल त्यांचं फार फार आभार मानतो त्यांनी आम्हाला या याच्यामध्ये खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। नक्कीच धन्यवाद राजेंद्र पाटील साहेब आणि संजयजी दोन्ही संघांसाठी ऑल द बेस्ट असेल। तर या वेळेला आपण पाहू शकता नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे तो आपण पाहतो सिद्धिविनायक अंजूर ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाव या आपण जाऊया त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत अजय जगरत हिंदीमध्ये एक सुंदर गोड आवाज या आपण जाऊया। धन्यवाद कॅमेरामॅन बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोदजी शेडगे। खेल की शुरुआत हो चुकी है वीर तानाजी दापोड़े और न्यू तूफान पिंपलास के बीच में ये मुकाबला चल रहा है 34 रनों का टारगेट तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है रनआउट के लिए अपील हुई थी वहाँ पर और थर्ड अंपायर इस समय देखते हुए कि क्या बल्लेबाज सुरक्षित तरीके से अपने क्रीज में पहुँच पाए हैं या नहीं। विकेट कीपर ने स्टंप्स वहाँ पर बिखेर दिए हैं लेकिन क्या बल्लेबाज पहुँच पाए या नहीं और थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ बैट्समैन आउट क्योंकि बल्ला कहीं ना कहीं क्रीज के अंदर तो आया था लेकिन हवा में था और उसको देखते हुए तीसरे अंपायर ने बैट्समैन को आउट घोषित कर दिया है। तो ये पहला विकेट गिरता हुआ वीर तानाजी दापोड़े न्यू 40+ टीम का। खाता भी इसी गेंद पर खुला पहली गेंद डॉट रही थी इस गेंद पर 2 रन मिले स्वीप किया था गेंद को बहुत अच्छी तरह से हालांकि मिसफील्ड हुआ था उसका फ़ायदा भी मिला था 2 रन भी मिले थे लेकिन लालच बहुत ही बुरी बला होती है और लालच एक बार आपके गले पड़ जाए तो गला ही दबा देती है। तो लालच में आ गए बल्लेबाज और अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए तानाजी हरिदास और तानाजी ये दो सलामी बल्लेबाज आए थे। नए बैट्समैन अब राजू क्रीज पर आए हैं। हरिदास के नाम लगातार 7 गेंदों पर 7 चौके लगाने का रिकॉर्ड है 40+ क्रिकेट में। 2 साल पहले मानकोली के ग्राउंड पर उन्होंने ये कारनामा किया था। गेंदबाजी कर रहे किशोर इस बार हाफ वॉली ड्राइव किया है इनफील्ड को क्लियर करते हुए बल्लेबाज ओ फील्डर थोड़े आगे गुजर गए वहाँ पर ये कैच बन सकता था लेकिन कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन उतना सटीक नहीं था पूर्वानुमान उतना सटीक नहीं था फील्डर का। हालांकि सर्कल को क्लियर किया था लेकिन फील्डर इतनी तेज़ी के साथ दौड़ रहे थे शायद उनको लगा कि वो पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन इतने तेज़ दौड़े कि गेंद से आगे निकल गए थे और गेंद उनके पीछे लैंड हुई थी। तो किस्मत का थोड़ा सा साथ मिलता हुआ बैट्समैन को 2 रनों से राजू का खाता खुला। इस बार कारपेट के सहारे पुश किया है ऑफ साइड में हालांकि गेंद थोड़ी कमज़ोर थी फुल टॉस बन रही थी लेकिन बल्लेबाज ने आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया सिंगल लेते हुए वहाँ पर बैट्समैन राजू पाटिल और हरिदास की जोड़ी है क्रीज पर 34 रनों का टारगेट। वैसे टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं है
लेकिन फाइटिंग टोटल इस मैच में देखने को मिला है न्यू तूफान पिंपलास टीम द्वारा, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। ज़्यादातर कप्तान टॉस जीतने के बाद यहाँ पर फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन पिंपलास टीम की एक अलग रणनीति, हालांकि तूफानी बैटिंग तो उनके नाम की तरह देखने को नहीं मिली। इस बार पैडल स्वीप करने का प्रयास अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। एक तीज सिंगल वहां पर दोनों भी बल्लेबाज पूरा करते हुए, रन लेने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं बल्लेबाज। अपील ज़रूर हुई थी लेकिन बल्ले से टकराई थी गेंद। आज इस टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़े हुए थे सुबह से वॉइस ऑफ पालघर प्रमोद जी शेड़गे, और अब उनका जो आज का दिन था वो यहाँ पर समाप्त होता हुआ उनका सम्मान किया जाएगा मंच पर। तर आम्ही इन्व्हाइट करतो पालघरचे एक लोकप्रिय समालोचक प्रमोद शेडगे, आय थिंक प्रथमच आलात भिवंडीमध्ये आणि आज ज्यांनी फार चांगलं समालोचन केलं आणि बॉल हवा था डाऊन द बॉल फुलडा खूप चांगला झेल, तर आपण सन्मानित करतोय आदरणीय सन्माननीय आमच्या मंचावरील व्यक्तिमत्व। सरपंच देवराज नाईक यांच्या शुभ हस्ते आम्ही प्रमोद शेडगे यांचा आधी सन्मान कंप्लीट करतोय, ज्यांनी आजच्या दिवसामध्ये फार चांगलं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलं। 40+ क्रिकेट जरी असलं त्यांनी रंगत वाढवली आजच्या दिवसामध्ये, आणि एक प्रतिभावंत समालोचक आहेत। थँक्यू सो मच, आपण आलात, आपलं अमूल्य वेळ दिलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार। त्यानंतर मंचावरील उपस्थित मान्यवर देवा टायवरे साहेबांचा सन्मान केला जाईल सरपंच साहेबांच्या शुभ हस्ते। थँक्यू सो मच, आज आपल्या फार बिझी शेड्यूल मध्ये आम्हाला वेळ दिलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार। देवा टावरे साहेबांचा सन्मान केला जातोय 40+ चे एक चांगले क्रिकेटर देखील सुद्धा, नेक्स्ट मॅच इन ऍक्शन मध्ये आपण त्यांना पाहू शकाल। आणि आता यानंतर आपण सन्मानित करतोय संजयजी पाटील यांना, ते देखील 40+ चे एक चांगले क्रिकेटर आहेत, त्यांचा सन्मान देखील आपण करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून। थँक्यू सो मच। यानंतर रवी नाईक यांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल सरपंच साहेबांच्या शुभ हस्ते, रवी नाईक यांचा देखील सन्मान आपण करणार आहोत। पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह की ज्या स्पर्धेच्या माध्यमात देऊन त्यांचा गौरव इथे करण्यात आला। थँक्यू सो मच ऑल ऑफ यू, आणि सावकाश दा प्रमोद दादा हॅपी जर्नी आणि पुढच्या वाटचालीसाठी फार साऱ्या शुभेच्छा। मॅच सुरू होतीये, जाऊया आपण कॉम्बॉक्स मध्ये आणि ऐकूया हे व ग्रीन कॉमांडा ज्यांचा आवाज नेहमीच प्रत्येकाला ऐकवा असं वाटतो परत परत, ते जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये, स्टे ट्यून विथ अस, ऐकूयात अजय घरात। धन्यवाद ओमी। 6/2 विकेट गिरे है, पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, बचे हुए 3 ओवर्स में 28 रनों की जरूरत। लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, वही मैं भी सोच रहा था कि अंपायर वाइड देंगे या नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचा वहाँ पर अंपायर ने देखा और देखभाल कर एक अच्छा निर्णय। लेग स्टंप के थोड़ी भी बाहर होती है तो वाइड घोषित कर देते हैं अंपायर। रतिलाल है गेंदबाज, इस बार हुक करने का प्रयास, ठीक तरह से स्ट्रोक जमा नहीं पाए, शॉट फाइन लेग को बीट नहीं कर पाए, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, केवल एक रन लेने का अवसर वहाँ पर। अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजों ने, पहला ओवर किशोर ने किया, सिर्फ 6 रन दिए, एक बैट्समैन रन आउट हुए उनके ओवर में और एक बैट्समैन कैच के रूप में आउट हुए। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है हरिदास और विष्णु, स्ट्राइक हरिदास के पास, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। इस बार खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ संभवतः, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी, निप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए एक ही रन, लगातार सिंगल्स आते हुए। वीर तानाजी दापोड़े टीम इस समय बैटिंग कर रही है और इस टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है मिस्टर वासु भोईर ने मानकोली से, खासतौर पर हरिदास के लिए, उनके चहेते बल्लेबाज है। पैर पर लगी है, प्रश्न पूछा गया हाउस दैट, लेकिन अंपायर ने कहा कि नॉट आउट। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा, हालांकि अंपायर बेहतर तरीके से देखते हैं, स्टंप्स के बिल्कुल सामने खड़े रहते हैं और अंपायर इज़ द बेस्ट जज, क्रिकेट के खेल में अक्सर कहा भी जाता है। कहीं ना कहीं शायद द लेग स्टंप की तरफ पिच हुई होगी गेंद, उसको अंपायर ने ध्यान में रखा होगा। इस बार अपिश खेला है, फील्डर बहुत दूर है, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी गेंद पर आए, ज़बरदस्त फील्डिंग,
शानदार क्षेत्र रक्षण, एक ही मोशन में उन्होंने गेंद को फील्ड किया एक हाथ से और तुरंत लौटा दिया गेंदबाज के पास। निश्चित रूप से कम कुछ रन से यहाँ पर बचाते हुए, एक रन तो बचाया है मेरे ख्याल से वहाँ पर फील्डर ने, लाजवाब एफर्ट। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन दो विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा करेक्शन है, जो टारगेट है वो 33 रनों का है क्योंकि अंतिम गेंद पर विकेट का पतन हुआ था और 32 पर पारी रुक गई थी। पिंपलास टीम की 33 रनों का टारगेट है तो अभी भी हम देखें तो 22 रनों की ज़रूरत है। फील्डर थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। घनश्याम वहाँ पर फील्डर काउ कॉर्नर की दिशा में, जिन्होंने लगभग मिड ऑन की तरफ जाते हुए गेंद को फील्ड किया था, काफ़ी तेज़ी से दौड़े थे, शानदार फील्डिंग ज़रूर की लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाएं पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, थोड़े से जख्मी हो गए हैं और उसी वजह से इस समय खेल रुका हुआ है। तो यहाँ से और 22 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए वीर तानाजी दापोड़ी टीम को। यदि फील्डर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को अंदर ले सकते हो, लेकिन ये जिद है, अपनी टीम को जिताने की जिद है खिलाड़ी के अंदर। घनश्याम को हम देख रहे हैं कि उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं है और एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार होते हुए, हालांकि अब उनको शायद 10 सर्कल के अंदर रखने का प्रयास कैप्टन द्वारा। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त फील्डर है, शानदार फील्डिंग भी की उन्होंने। हमारे बीच कालवार के माजी सरपंच माननीय श्री देवानंद पाटिल साहब का शुभ आगमन होता हुआ, आपका हार्दिक स्वागत है। उनके साथ कालवार के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य सन्मान्य योगेश जी पाटिल साहब का भी शुभ आगमन हुआ है। शाम के सत्र में केके ट्रॉफी 2021 में आपका हार्दिक स्वागत। आज पूरे दिन भर सूर्य देवता हमें नज़र नहीं आए। विद्यानंद जी म्हात्रे साहब का शुभ आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत है। कल इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, बहुत ही शानदार पहला दिन रहा और आज दूसरे दिन का खेल है। थोड़ी देर में यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी और जब फ्लड लाइट्स ऑन हो जाती है तो ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। ये मेहमान आपकी स्क्रीन पर जिनका अभी आगमन हुआ है, सभी दर्शकों का और मेहमानों का हार्दिक स्वागत केके ट्रॉफी 2021 में। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था, खेल अब फिर से शुरू होने जा रहा है। माननीय श्री देवराज जी नायक साहब भी आपके स्क्रीन पर नज़र आते हुए मंच पर उपस्थित है, कारिवली के विद्यमान सरपंच, और इस टूर्नामेंट के लिए उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रतिलाल की यह गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी हुई थी, पुल करने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, हालांकि धीमा थ्रो लेकिन बैट्समैन काफ़ी आगे निकल चुके थे दूसरे रन के लिए और वापस लौटने का प्रयास किया, नहीं पहुंच पाए क्रीज में, रन आउट। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में नज़र आता हुआ, 13 गेंदे शेष है, जीतने के लिए अभी भी वीर तानाजी दापोड़ी टीम को 21 रनों की आवश्यकता है। रनों और गेंदों के बीच में हम देखें तो 8 का फासला है और यदि दो बड़े शॉट्स भी लगते हैं तो काम काफ़ी आसान हो सकता है, लेकिन कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है क्रिकेट के खेल में। नए बैट्समैन ने आते ही गेंद को हुक कर दिया है, टॉप एज लगा है, शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और बहुत ही अच्छा कैच, एक और विकेट धराशायी। Thank you.
बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए रतिलाल उनका ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ और उतना ही अच्छा साथ भी फील्डर्स का उनको मिला। शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया कैच, राजेश आए थे नए बल्लेबाज लेकिन पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से अभी तक के खेल में चार बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं। दो ओवर का खेल पूरा हो चुका है, केवल 12 रन स्कोर हुआ है, यानी कि ठीक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं। बचे हुए दो ओवर्स में हम देखें तो 21 रनों की आवश्यकता है वीर तानाजी दापोड़ी टीम को ये मैच जीतने के लिए। न्यू 40 प्लस कैटेगरी का क्रिकेट आज पूरे दिन भर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 40 प्लस के खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि 40 प्लस का क्रिकेट हो रहा है। कई मौक़ों पर हमें ऐसा लगा कि शायद रेगुलर क्रिकेट ही चल रहा है। जिस तरह से कुछ काफ़ी रोमांचक मैचेस देखने को मिले, खासतौर पर दूसरा मैच आज का हमने देखा था जोशी 11 भादवड़ और जयदुर्गा सुरई के बीच में, जिसमें सुरई टीम ने मैच को जीता। गेंदबाजी में परिवर्तन, नेवर की पहली गेंद स्लॉक किया ऑन साइड में, ओहो बढ़िया फील्डिंग वहां पर, हालांकि कैच का प्रयास कर रहे थे डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में फील्डर, कैच का मौका तो ज़्यादा नहीं था लेकिन बाउंड्री बचाई है, ये सबसे बड़ी बात है। घनश्याम गेंदबाजी के लिए आए हैं, देखिए थोड़े से अनफिट है, गेंद को रोकते समय थोड़ी सी पैर में मोच आ गई लेकिन उसके बावजूद भी उनका नेवर से डाय एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है। मैदान छोड़ने के लिए ये खिलाड़ी तैयार नहीं है। दो रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, लक्ष्य है 33 रनों का, 33 इज द टारगेट। पिंपलास और दापोड़े के बीच में यह गहरा संघर्ष, इस बार जगह बनाई ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए खेला था लेकिन बढ़िया फील्डिंग, क्या शानदार क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है, बहुत ही उम्दा फील्डिंग का नज़ारा इस मैच में देखने को मिला है। पहले हमने घनश्याम को देखा, उसके बाद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में लगातार अच्छी फील्डिंग करते हुए बिंदास है वहाँ पर, और बिंदास वाकई में बिंदास नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरीके का जोखिम वो अपने टीम के लिए उठाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, शॉर्ट फाइन लेग को अब डीप में भेजा गया है, थोड़ी सी अलग रणनीति गेंदबाज घनश्याम की नज़र आती हुई। डीप स्क्वेयर लेग है, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग भी है और एक काउ कॉर्नर की तरफ भी खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट, और इस बार कट करना चाहते थे, देखना है बैट से ही या नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई, जी हाँ, अंपायर दर्शाते हुए कि बल्ला लगा था, यानी कि मौका था विकेट कीपर के पास गेंद को कैच करने का, उसको भुना नहीं पाए। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंच चुका है, अभी भी 17 रन और चाहिए जीतने के लिए। बायत से ओवर द विकेट गेंदों को टर्न करा रहे हैं, बहुत ही शानदार स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल रही है घनश्याम द्वारा। और इस बार थोड़ी छोटी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ और इसी स्ट्रोक के लिए वहां पर फील्डर रखा गया है, लेकिन इस बार बिंदास द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, मिसफील्ड हुआ और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, 2 रन पूरे, रन संख्या अब 18 रनों पर पहुंचती हुई। यहां से समीकरण हम देखें तो 8 गेंदें बची है, जीतने के लिए 15 रन चाहिए वीर तानाजी दापोड़ी टीम को, और यदि ये रन्स बनाने हैं तो कहीं ना कहीं बचे हुए 8 गेंदों पर एक दो बड़े शॉट्स तो खेलने होंगे बल्लेबाजों को। हालांकि क्रिकेट का खेल है, इसमें 8 गेंदों पर 15 रन सिंगल डबल से भी बन सकते हैं, खासतौर पर डबल आप लगातार रहते रहोगे तो 8 गेंदों पर 2-2 रन यानी कि 16 रन बन सकते हैं, लेकिन हर गेंद पर 2 रन बनाना काफ़ी मुश्किल है। इस बार बैकफुट पर चले गए थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, चूक गए, विकेट कीपर भी चूक गए, विकेट कीपर द्वारा ज़रूर गलतियाँ हो रही है, उसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर से कॉट बिहाइंड का मौका था लेकिन उसको भुना नहीं पाए विकेट कीपर, तो ये जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं ये काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं। बाउंड्री लाइन के नज़दीक जो दर्शक खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको हाथ बैरिगेट्स पर नहीं रखने हैं प्लीज़। इस बार बैकफुट पर जाकर हैमर्ड किया है, बिल्कुल गैप में खेल दिया है, शानदार स्ट्रोक, 4 रन, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक।
के लिए। ये चौका निकलता हुआ विष्णु के बल्ले से और इसके साथ ही तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बचा है इस मैच में, काफ़ी सारा रोमांच बचा हुआ है और अंतिम 6 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए वीर तानाजी दापोड़ी टीम को। हमारे बीच मिस्टर विक्की उर्फ जावेद पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है, कारिवली के दानशूर राजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है केके ट्रॉफी 2021 में। जावेद भाई आपसे निवेदन है, आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। केके ट्रॉफी 2021 में एक बार फिर से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत। ज़बरदस्त ये मैच, दोनों भी टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है। गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में, शानदार नोकझोंक देखने को मिल रही है। गेंद और बल्ले के बीच की ये जद्दोजहद है और अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। स्ट्राइक इस समय राजू के पास, अंतिम ओवर लेकर विकास, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, लोअर फुल टॉस, बहुत ही सुंदर ऑफ ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑफ पर सफाई से फील्ड करते हुए फील्डर, केवल 1 रन। तो राजू ने तो अपना काम वहाँ पर बखूबी से कर दिया है मेरे ख्याल से, कि उन्होंने स्ट्राइक दे दी है वहाँ पर विष्णु को, जिनके बैट से एक चौका निकला है। हालांकि दोनों भी अच्छे बल्लेबाज है और अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में पनप रही है। 5 गेंदे शेष है, 9 रन कंपलसरी बनाने हैं तापोड़े टीम को। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, देखा परखा समझा और जाने दिया, वाइड गेंद, सही फैसला वहाँ पर बैट्समैन का और अंपायर का भी, क्योंकि दिशाहीन गेंद थी। राउंड द स्टंप्स कोन बनाने का प्रयास, पहली ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर पिच कराया और टप्पा पड़ने के बाद एंगल के तहत और भी गेंद बाहर की तरफ निकली। इस तरह के फिजूल के रन्स काफ़ी महंगे साबित हो सकते हैं न्यू तूफान पिंपलास टीम के लिए। इतना बड़ा टूर्नामेंट है केके ट्रॉफी 2021, कोई भी टीम इस टूर्नामेंट को छोड़कर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। एड़ी चोटी का जोर लगाकर क्रिकेट खेला जा रहा है। कल ग्रामीण का पुल हमने देखा, सिटी इमर्जिंग का क्रिकेट देखा और आज न्यू 40+। 5 में 8 चाहिए। ओ, इस बार अपने आप को यॉर्क कर लिया, सामने खेलना चाहते थे, थोड़े दुविधा में नजर आए, शायद ये भी सोच रहे थे बैट्समैन की ऑफसाइड में ड्राइव करे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सामने खेलने का प्रयास किया, हल्का सा फ्लाइट दिया था और ये देखिए गलत लाइन पर, अधूरे मन से स्ट्रोक खेलने का प्रयास। ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अच्छी सटीक लेंथ पर इस बार गेंद को रखा गया था, फ्लाइट दे रहे हैं। समीकरण बदलता हुआ, 4 गेंदे और जीतने के लिए 8 रनों की ज़रूरत। इस बार टर्न वी गेंद, वेट करते हुए खेलना चाहते थे, फिर से चूक गए। एक और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, कमाल की वापसी, वाइड गेंद करने के बाद लगातार 2 डॉट गेंदे की है, बिल्कुल हवा में छोड़ रहे हैं गेंदों को और ये देखिए एंगल के तहत भी गेंद बाहर निकल रही है, थोड़ा टर्न भी उनको मिल रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और सही फैसला अंपायर का, क्योंकि लाइन के अंदर से गेंद निकल गई थी। 3 गेंदे अब बची है, 8 रनों की आवश्यकता है वीर तानाजी दापोड़े टीम को ये मैच जीतने के लिए। इस आखिरी ओवर में 10 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन पहली 3 गेंदों पर विकास पाटिल ने सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। अभी तक तो ये ओवर उनके पक्ष में रहा है, लेकिन देखिए आधे अधूरे अच्छे ओवर करने से मैच नहीं जीता जा सकता है और मैच भी वैसे भी आधे अधूरे बिल्कुल भी नहीं जीते जाते हैं, मैच पूरा जीता जाता है। कश्मकश भरा क्रिकेट, हवा में उछाल दिया है और शानदार कैच, कोई गलती नहीं, वाइड डिश लॉन्ग ऑन की तरफ, विकेट गिरता हुआ 5वां। के पास और एक अच्छा कैच डीप में, तो विकेट का पतन हुआ है। अब बची है केवल 2 गेंदे, जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता है। अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। राजू के पास स्ट्राइक, हवा में उछाला है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन मैदान के अंदर एक और बेहतरीन कैच, कैचिंग लाजवाब और अब यह मुकाबला कहीं ना कहीं झुकता हुआ न्यू तूफान पिंपलास टीम के पक्ष में।
शानदार क्षेत्र रक्षण पहले रतिलाल ने कैच लिया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर और अब डीप स्क्वायर लेग की तरफ किशोर थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। कैचेस विन द मैचेस सही मायनों में ये देखने को मिलता हुआ, क्योंकि कैचेस ड्रॉप होते तो चुनौती अभी भी बरकरार रह सकती थी बल्लेबाजी करने वाली टीम की, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव सा समीकरण है। एक गेंद बची है, 8 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन सदा। अच्छा स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, लेकिन इससे काम कहां पर बनने वाला है। 4 रन जरूर मिले लेकिन 8 रन चाहिए थे एक गेंद पर, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त होता हुआ। आखिरकार ये मैच महज 3 रनों से जीत लिया है न्यू तूफान पिंपलास टीम ने। हार्दिक अभिनंदन पिंपलास टीम एंड हार्ड लक टफ लक वीर तानाजी दापोडे टीम। थैंक यू डीजे, ज़बरदस्त क्रिकेट का ये मैच देखने को मिला। हार जीत तो क्रिकेट के खेल में दोस्तों होती रहती है, लेकिन मैच अच्छा होना चाहिए और ये अच्छा मैच हमें देखने को मिला। अच्छा एफर्ट था हालांकि हम देखें तो वीर तानाजी दापोडी टीम का भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा बेहतर क्रिकेट इस मैच में खेला न्यू तूफान पिंपलास टीम ने, और उसी वजह से इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम के लिए 8 रन बनाए और गेंदबाजी में पावर प्ले में 6 रन देकर 1 विकेट झटका था, वो खिलाड़ी है पिंपलास टीम के किशोर। किशोर इज द मैन ऑफ द मैच। तर या किशोर जी, आपण व्यासपीठावर मान्यवरांच्या शुभास्ते तुम्हाला सामनावीराचा पुरस्कार प्रदान केला जाईल, त्या ठिकाणी आमचे साथी समालोचक उपस्थित आहेत। माननीय श्री किशोरजी नाईक यांच्या शुभास्ते आपण सामनावीराची आकर्षक ट्रॉफी मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू किशोर यांना देत आहोत। वेल डन किशोरजी, कॉंग्रॅच्युलेशन्स पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक शुभेच्छा असतील। दापोडे गावचे प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय विष्णूजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करतो आयोजकांच्या वतीनं, प्लीज आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हा। KK ट्रॉफी 2021 आपलं मनापासून स्वागत। माननीय श्री विष्णू पाटील साहेब दापोडे यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय।